Let's review this product. It is from Too Faced. I bought it like 5 or 6 months ago and I have been using it. It's really good. So it comes in a bottle like this. Easily इस bottle को carry कर सकते हैं travel करने के time पे अपने साथ में, कोई भी आपको issue नहीं होगा. इस तरीके की bottle में आता है. Bottle छोटी सी है and ये एक amazing product है अगर आपकी oily skin है तो. मेरी skin dry है, मेरे पे भी काम कर जाता है because I know how to use it and how to prepare my skin if I am using a product which is not meant specially for dry skin. इट कैन बी यूज टू कंसील, कॉन्ट्रोल, हाईलाइट और रीटच. काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस इसकी फिनिशिंग लगती है. तो अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं कैरी करना चाहते हैं लाइक कंसीलर, हाईलाइटर, फाउंडेशन, तो आप ये एक परचेज कर सकते हैं. ये आपकी सारी की सारी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगा, कंसील भी करेगा और आप इसे एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं. बस आपको क्वान्टिटी का ध्यान रखना है और कॉन्ट्रोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द शेड. आपको डार्कर शेड लेना पड़ेगा और आप इसको एज कॉन्ट्रोल यूज़ करना चाहते हैं तो. मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये प्रोडक्ट थोड़ा हाई एंड है, एक्सपेंसिव है, आई नो, बट इट्स वर्थ इट अगर एक्सपेंसिव रेंज की बात करूँ मैं तो. क्लियर, दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन, दिस इज़ नॉट फॉर ड्राई स्किन. बट अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप ड्राई स्किन अगर आपकी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भी ड्राई स्किन है और मैं इसको यूज़ करती हूँ. मुझे बहुत ही अच्छे से सूट करता है, बहुत ही अच्छे से आपके फ्लॉज को हाइड करता है अगर आपकी स्किन पे कुछ प्रॉब्लम है तो. क्योंकि मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती हूँ, लकीली मतलब मुझे नीड नहीं होती है. मैं इसकी बहुत ही थोड़ी सी क्वान्टिटी यूज़ करती हूँ, उसी से मेरे फेस पर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, कवरेज आ जाती है. एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. ये था मेरे तरफ से इस प्रोडक्ट का रिव्यू. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर डिटेल वीडियोज़ ऑन मोर प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर.